ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, जिस पर कंगारू गेंदबाज पूरी तरह खड़े साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मैच की तरह एक बार फिर इस मुकाबले में भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर फ्लॉप रही। पहले वनडे मैच में भारत ने मात्र 39 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे और ठीक ऐसा ही दूसरे वनडे मैच में होता हुआ नजर आया। भारत ने मात्र 49 रनों पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जमकर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए उतरे थे। पारी के तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल बिना खाता खोले मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा थोड़े लय में नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा पारी के 5वें ही ओवर में 13 रन पर मिचेल स्टार्क के हाथों आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव वापस से गोल्डन डक पर आउट हो गए। केएल राहुल, जो पिछले मैच में 75 रनों की शानदार पारी खेलते हुए नजर आए थे, वे भी दूसरे मैच में 9 रन पर स्टार्क के शिकार बन गए। उप कप्तान हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के खिलाफ कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और 1 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत की फ्लॉप बल्लेबाजी फैंस के लिए अब सिरदर्द बन गई है। भारत के बल्लेबाजों के ऐसे प्रदर्शन पर फैंस सोशल मीडिया में जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।